बेसल फंक्शन का एक थ्योरम है हैंकल इंटीग्रल। हैंकल इंटीग्रल को हम कैसे प्रूव करते हैं, इसको हम बेसिक अच्छे से कंसेप्ट से हम पढ़ते हैं कि हम कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको देखे हैं। लिखा है हैंकल इंटीग्रल में प्रूव है जेड एन एक्स, जैसे कि बेसल फंक्शन में आप जेनेटिव फंक्शन को जे एन एक्स में भी डिनोट करते हैं, जे एन एक्स इक्वल टू टू अपॉन रूट पाई गामा एन प्लस वन बाई टू एक्स बाई टू की पावर एन इंटीग्रेशन जीरो टू वन कॉस टी एक्स वन माइनस टी स्क्वायर की पावर एन माइनस वन बाई टू फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन माइनस वन बाई टू। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो ये वाला पार्ट है इस पार्ट को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम ले लेते हैं लेट आई इक्वल टू जीरो टू वन कॉस टी एक्स वन माइनस टू टी स्क्वायर एन माइनस वन बाई टू, ये हो गया और आपका क्या हो गया जाती है डी टी बन गया, ये आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लगाइए इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम यहां पर पुट करेंगे लेट टी इक्वल टू साइन थीटा, टी इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू हम ले लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा डी टी इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा बन जाएगा और इसकी लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो व्हेन व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाइज दैट टी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा एंड थीटा इक्वल टू वन हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट टी इक्वल टू जब वन पुट करेंगे तो साइन वन पाई बाई टू में आता है तो ये बन जाएगा आपका पाई बाई टू। अब ये दोनों ये जो लिमिट की वैल्यू मिली है और ये जो हमने सपोज करके रखा है इन सारी वैल्यू को इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट में रखते हैं। तो आई इक्वल टू जीरो के प्लेस में क्या है आपका जीरो है और वन के प्लेस में क्या हो गया पाई बाई टू, राइट, तो पाई बाई टू। इसके बाद कास कास और टी की इक्वल टू क्या है टी इक्वल टू हमने साइन थीटा ले लिया तो क्या हो जाएगा एक्स साइन थीटा। इसके बाद है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर एन माइनस वन बाई टू और डी टी के प्लेस में हमने क्या रखा है कॉस थीटा और डी थीटा, ये वैल्यू पुट कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे हम जीरो पाई बाई टू कॉस एक्स साइन थीटा और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कॉस स्क्वायर हो जाएगी तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और टू टू एन माइनस वन हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा और डी थीटा बन जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू कॉस एक्स साइन थीटा और इस स्क्वायर की जो वैल्यू है सिंस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी टू इंटू टू एन माइनस वन बाई टू और कॉस थीटा डी थीटा टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो आफ्टर दैट जीरो टू पाई बाई टू कॉस एक्स साइन थीटा कॉस एक्स साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा और कॉस थीटा की पावर क्या आई टू एन माइनस वन आइए कॉस थीटा डी थीटा इसकी पावर वन है तो एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी क्या करेंगे बेस इक्वल तो पावर क्या हो जाएगी एड हो जाएगी तो इसलिए आई इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू कॉस एक्स साइन थीटा और कॉस ये क्या हो जाएगा कॉस टू एन माइनस वन प्लस वन प्लस वन डी थीटा तो ये वन वन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे वाले स्टेप को हम अभी सॉल्व करेंगे लेकिन प्रॉपरली जो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो दोस्तों आप इसको लिख भी सकते हैं नोट भी कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हैंकल इंटीग्रल है न्यूमान इंटीग्रल है लिपिस्टिक इंटीग्रल है
बेसल फंक्शन, इसके और भी जनरेटिंग फंक्शन, और जो अभी संविदा वर्गीय में बीएससी से रिलेटेड और भी छोटे छोटे जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करके हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये जो मैंने अभी सॉल्व किया है इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके अगला जो स्टेप होगा, तो आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू और कॉस कॉस एक्स साइन थीटा और माइनस वन प्लस वन कैंसिल होगा तो क्या आया आपका कॉस टू एन थीटा डी थीटा, इतना आ गया। यहां पर थीटा मैंने नहीं लिखा था, ये मिस्टेक हो गई थी। अब क्या करेंगे कि नाउ यूजिंग बाई मैक्लारिन्स थ्योरम, तो मैक्लारिन थ्योरम में हम इसको एक्सपेंड करेंगे, कैसे एक्सपेंड करना है तो करेंगे क्या, इसको कॉस एक्स साइन थीटा इक्वल टू वन माइनस और एक्स साइन थीटा की पावर हो स्क्वायर फैक्टोरियल टू प्लस एक्स कॉस थीटा की पावर फोर फैक्टोरियल फोर माइनस एक्स कॉस थीटा की पावर सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सिक्स। तो इसको हम आर आर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सो कॉस एक्स साइन थीटा इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू जीरो टू ये हो जाएगा एन और माइनस वन की पावर आर और एक्स की पावर टू आर और ये हो जाएगा फैक्टोरियल टू आर और ये बनेगा साइन की पावर क्या हो जाएगा टू आर थीटा। ये तुम्हारा आपका आर्थ फॉर्म बन जाएगा मैक्लारिन सीरीज के अकॉर्डिंग। हम पहले इसको इस इंटीग्रेशन को कुछ हम कर नहीं सकते, कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो हमको कुछ ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है मैक्लारिन थ्योरम का यूज करके जिसको हम आगे चल के इसको और भी अच्छे से सॉल्व कर सके। तो हमने क्या किया कि कॉस एक्स साइन थीटा को मैक्लारिन सीरीज से मैक्लारिन थ्योरम से मैंने एक्सपेंड किया, कॉस एक्स एक्स साइन थीटा इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू जीरो टू एन और माइनस वन की पावर आर एक्स टू आर साइन टू आर थीटा अपॉन फैक्टोरियल टू आर हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हमको पुट करना है, लेकिन इसको क्या करेंगे हम इसको सॉरी इसके लिए एन के प्लेस में हम इनफाइनाइट पुट करेंगे और इसको इक्वेशन हम दे देंगे फर्स्ट और इसको इक्वेशन दे दिया था हमने फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ये क्या हो जाएगा आपका वी गेट, तो हमको मिलेगा क्या, अब इस वैल्यू को इसके प्लेस में हमको पुट कर देना है। तो आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, इसके प्लेस में क्या होगा समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन की पावर आर एक्स की पावर टू आर और साइन की पावर टू आर थीटा अपॉन फैक्टोरियल टू आर। इसके बाद क्या लिखा है इसमें कॉस टू एन थीटा डी थीटा, तो ये इससे आपको क्या बन जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। कुछ चीजें हमको सबको साइड में करना पड़ेगा, तो आई इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन की पावर आर और एक्स की पावर टू आर फैक्टोरियल टू आर हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू और क्या आपका आपके पास आया साइन टू आर थीटा कॉस टू एन थीटा डी थीटा। अब इसको हम डुप्लीकेशन थ्योरम डुप्लीकेशन फार्मूला जो कि गामा और बीटा फंक्शन में है उससे हम इसको वो करेंगे जब तक कि आप इसको नोट कर सकते हैं और साथ में लिखते भी जाए आपको ये ताकि प्रूफ बेसिक कंसेप्ट था स्टेप बाय स्टेप सारी चीज क्लियर होती चली जाए, ठीक है। अब इस स्टेप को क्या करेंगे हम आई इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू इनफाइनाइट राइट माइनस वन की पावर आर लिख देते हैं, इसके बाद एक्स की पावर टू आर अपॉन फैक्टोरियल टू आर नेक्स्ट जीरो टू
पाई बाई टू कास, कास वाला जो टर्म है इसको हम फर्स्ट टाइम से लिखेंगे कास, कास की पावर टू एन थीटा और ये साइन की पावर टू आर थीटा डी थीटा और इक्वेशन हम दे देंगे इसको फोर दे देंगे। इस इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे इसको आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये थ्योरम काफी लंबा जाने वाला है इसलिए इसको साथ में आप लिख भी सकते हैं देख भी सकते हैं। हाँ तो अब सिंस वी नो दैट इसमें क्या करेंगे हम डुप्लीकेशन फार्मूला यूज करेंगे डुप्लीकेशन। तो नाउ नाउ यूजिंग बाय डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन फार्मूला क्या होता है इसमें कि जीरो टू पाई बाई टू और ये हो जाएगा आपका साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा जी थीटा ये हो जाएगा। तो पी की वैल्यू में हम पुट करेंगे यहां पर साइन साइन की पावर पी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये गामा पी प्लस वन बाई टू गामा क्यू प्लस वन बाई टू अपान और टू गामा पी प्लस क्यू प्लस टू बाई टू हो जाएगा। ये आपका क्या है डुप्लीकेशन फार्मूला। डुप्लीकेशन फार्मूला कहां गामा और बीटा फंक्शन में है तो गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन में कुछ रूल को हम यूज करेंगे यहां पर कैसे यूज करना है तो क्या लिखेंगे इसमें हम हमने लिखा है पी की पावर यहां पर इसको चेंज कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे जीरो टू पाई बाई टू क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है कॉस का है तो कॉस में हम क्या लिखेंगे यहां पर चाहो तो आप सीधे डायरेक्ट कंपेरिजन कर सकते हैं कॉस की वैल्यू में क्या हो जाएगा तो हम क्या करेंगे ना लिखकर इसको एक स्टेप ना बढ़ाकर क्या लिखेंगे यहां कॉस की पावर टू एन है यहां क्यू की पावर क्या है क्यू है तो कॉस की पावर क्या है क्यू है तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टू एन पुट करेंगे एंड यहां लिख लें हेयर और पी पी इक्वल टू क्या होगा आपका टू आर हो जाएगा तो टू आर पुट किया। अब क्या करेंगे यही दो वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो जीरो टू पाई बाई टू कॉस अब क्यू के प्लेस में क्या है टू एम थीटा एंड साइन साइन अब पी के प्लेस में क्या है इसका टू आर थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा अब पी के प्लेस में क्या है आपका टू आर प्लस वन बाई टू गामा और क्यू के प्लेस में क्या है इसमें टू एम प्लस वन बाई टू अपान टू गामा अब पी इक्वल टू कितना है पी इक्वल टू है आपका टू आर और क्यू इक्वल टू टू एम प्लस फार्मूले में ऑलरेडी टू है तो टू पुट करेंगे अपान क्या हो जाएगा टू। इसके बाद इसको तो हम इरेज कर सकते हैं तो इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू कॉस टू एन थीटा साइन टू आर थीटा डी थीटा इक्वल टू यहां पर क्या कर देंगे इसको गामा टू आर अपान टू प्लस वन बाई टू गामा टू एन बाई टू प्लस वन बाई टू अपान टू गामा और टू इससे हम सारे टर्म से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा टू और यहां से एन प्लस आर प्लस वन अपान और ये भी टू किसके पास जाने देंगे टू के पास ये आपको हो जाएगा टू से टू यहां से कैंसिल हो जाएगा एक टू से टू कैंसिल हो जाएगा एक टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे जीरो टू पाई बाई टू कॉस की पावर टू एन थीटा एंड साइन टू आर थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा और यहां पर क्या हो जाएगा आर प्लस वन बाई टू गामा और यहां एन प्लस वन बाई टू अपान और ये टू गामा और एन प्लस आर प्लस वन ये हो जाएगा क्योंकि एन प्लस यहां मल्टीप्लाई जैसे उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन प्लस गामा एन प्लस वन बाई टू गामा आर प्लस वन बाई टू अपान
टू गामा एन प्लस आर प्लस वन हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। अब यहां डुप्लीकेशन फार्मूला, हम इस फार्मूले को इसके प्लेस में यूज करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मैंने देखा आप इसको आप देखते रहिएगा कि डुप्लीकेशन जीरो टू पाई बाई टू ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट किया और हमको ये रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट मिल गया। इसके आगे हम अब क्या करेंगे कि गामा आर प्लस वन बाई टू को गामा और बीटा फंक्शन के रिलेशन से ही इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। जब तक मैं आप इसको देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप काफी अच्छे से सॉल्व किया हूं, इसमें कोई भी एरर नहीं है। देख लीजिए इसको, तो दोस्तों जीरो टू पाई बाई टू कॉस की पावर टू एन थीटा साइन की पावर टू आर थीटा डी थीटा इक्वल टू ये हुआ। अब इस वैल्यू को इक्वेशन फोर्थ में हम पुट करते हैं, तो ये आपका होगा यहां पर ये हुआ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू कॉस की पावर टू एन थीटा साइन की पावर टू आर थीटा डी थीटा देन इन ये हो जाएगा इन इक्वेशन फोर, देन वी गेट क्या हो जाएगा आपका वी गेट, तो हमने क्या लिया था समय आई इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन की पावर आर एक्स की पावर टू आर अपॉन फैक्टोरियल टू आर, और जो इक्वेशन फोर में फिर से रिवाइज कर रहा हूं इसमें जीरो टू पाई बाई टू कॉस टू एन थीटा साइन टू आर थीटा डी थीटा, इसको मैंने इक्वेशन फोर में लिया था, आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि आई इक्वल टू समेशन समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन की पावर आर एक्स की पावर टू आर अपॉन फैक्टोरियल टू आर हो गया। अब इसकी वैल्यू का रिजल्ट हमारे पास है, तो हम इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो गामा एन प्लस वन बाई टू गामा आर प्लस वन बाई टू अपॉन टू गामा एन प्लस आर प्लस वन, इतना इक्वेशन हो गया और मेरा इक्वेशन बन गया क्या आपका फिफ्थ। नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें, अब यहां पर एन प्लस वन बाई टू बट आर बाई टू, सिंस गामा ये हो जाएगा आपका डुप्लीकेशन फार्मूला से जो हम यूज करने वाले हैं फार्मूले को, तो क्या हो जाएगा सिंस गामा एम प्लस वन बाई टू इक्वल टू रूट पाई अपॉन टू की पावर टू एम माइनस वन, टू की पावर टू एम माइनस वन गामा क्या हो जाएगा आपका टू एम हो जाएगा, बट हेयर हेयर ये हो जाएगा एम इक्वल टू आर, हम क्योंकि हमारे पास टर्म क्या है आर, आर प्लस वन बाई टू को हम तोड़ना चाहते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा आर गामा आर प्लस वन बाई टू इक्वल टू अंडर रूट पाई टू की पावर टू आर माइनस वन गामा टू एम गामा ये आर गामा ये हो जाएगा आर प्लस वन बाई टू इक्वल टू रूट पाई अपान, इसको लिख सकते हैं टू आर अपान टू, क्यों क्योंकि टू आर इंटू टू माइनस वन, तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं टू की पावर टू आर और टू इनवर्स इक्वल टू वन बाई टू हो जाएगा। ये यहां पर लिख सकते हैं कि सिंस ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है वन बाई ए, तो टू पॉइंट टू हो जाएगा, तो टू पॉइंट टू लग दिया मैंने। इसके बाद गामा और एम के प्लेस में हमने क्या रखा था टू आर हो गया, ये टू कहां जाएगा इसके जस्ट न्यूमरेटर वाले पार्ट में जाएगा, तो गामा आर प्लस वन बाई टू राइट इक्वल टू रूट पाई और ये टू न्यूमरेटर में जाएगा तो टू हो गया, गामा को भी हम साथ में लिख देते हैं और ये आ गया आपका टू की पावर टू आर। लेकिन हमको क्या बनाना है यहां पर, इसको हम यहां आर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक आर हम यहां डिवाइड भी कर रहे हैं, इतना हो गया। इसके बाद इसको भी आप लिख लीजिए,
फिर यहां मैंने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आर को मैंने डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो अब इसको हम इरेज कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में होगा गामा आर को भी, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो गामा आर को हम जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड वाले पार्ट में आएगा, तो इसकी वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो गामा आर प्लस वन बाई टू इक्वल टू रूट पाई और ये हो जाएगा टू आर, और गामा ये बना आपका टू आर अपान ये बना टू की पावर टू आर और आर, और ये फैक्टोरियल गामा आर भी इधर आ जाएगा, तो क्या बन गया आपका गामा आर हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे हम, सिंस इसमें क्या करेंगे, एक गामा और बीटा फंक्शन का एक और फार्मूला इसमें लगता है कि गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन होता है गामा बीटा फंक्शन में, तो एन इक्वल टू टू आर है और एन इक्वल टू टू आर है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हेयर एन इक्वल टू टू आर, सो इस फार्मूले में जब इसको फिट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका गामा टू आर प्लस वन इक्वल टू एन के प्लेस में टू आर और गामा क्या बन जाएगा टू आर, एंड सेम कंडीशन इसके साथ भी है अगेन पुटिंग, तो एन इक्वल टू क्या कर देंगे यहां पर पुट कर देंगे वैल्यू को, और यहां पर ये हो जाएगा गामा और ये हो जाएगा एन इक्वल टू आर है तो आर प्लस वन इक्वल टू आर गामा आर हो जाएगा, तो जितनी भी वैल्यू है इसको मैंने ये वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, तो इसको कैसे लिखेंगे गामा आर प्लस वन बाई टू रूट पाई इंटू टू आर गामा टू आर इक्वल टू गामा टू आर प्लस वन, तो गामा टू आर प्लस वन अपान और टू की पावर टू आर हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका गामा आर प्लस वन हो गया। नेक्स्ट इस वैल्यू को और भी हम कर सकते हैं, श्रिंक करेंगे थोड़ा सा, कैसे कि सिंस गामा एन प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल एन भी होता है, तो हम इसको भी जमा टू आर प्लस वन है आर प्लस वन है तो वैल्यू बार बार उठा के देख लेते हैं, तो क्या होगा कि सिंस सॉरी हेयर गामा टू आर प्लस वन इक्वल टू, अब क्या बनेगा आपका फैक्टोरियल टू आर, ये जो गामा वाले फंक्शन में था इसको फैक्टोरियल वाले पार्ट में मैंने कन्वर्ट कर लिया, एंड गामा ये क्या होगा आर प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल और ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, तो मैंने रख दिया फैक्टोरियल आर, ठीक है। अगेन इस वैल्यू को, ये दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखते हैं, तो गामा आर प्लस वन बाई टू इक्वल टू अंडर रूट पाई और गामा टू आर प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल टू आर हुआ और ये टू की पावर टू आर एंड गामा आर प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा ये फैक्टोरियल आर हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फिफ्थ में पुट करेंगे, तो दोस्तों अब क्या करेंगे जो गामा आर प्लस वन बाई टू की वैल्यू है तो इक्वेशन फिफ्थ में कैसे पुट करेंगे, इक्वेशन फिफ्थ हमारा था आई इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन की पावर आर एक्स की पावर टू आर अपान फैक्टोरियल टू आर था, ये मैंने पुट किया, इसके पास मैंने जब वैल्यू किया था तो गामा एन प्लस वन बाई टू गामा आर प्लस वन बाई टू अपान टू गामा एन प्लस आर प्लस वन, इतनी वैल्यू हमारी एक हमारे इक्वेशन फिफ्थ में था। अब क्या करेंगे हम कि गामा आर प्लस वन की वैल्यू जो मिली है तो इतनी वैल्यू को यहां पर हम पेस्ट कर लेंगे, तो चूंकि इक्वेशन लंबा जाने वाला है इसलिए मैं इसको सब इरेज करने वाला हूं, तो ये होगा देखिए आप इसे इक्वेशन इस वैल्यू को गामा आर प्लस वन वाली वैल्यू क्या पुट करते हैं, तो आई इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन की पावर आर
एक्स की पावर 2r अपॉन फैक्टोरियल 2r एंड गामा एन प्लस 1 बाई 2 गामा एन प्लस 1 बाई 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका 2 गामा एन प्लस आर प्लस 1 और गामा आर प्लस 1 बाई 2 की वैल्यू को हम यहां पर पेस्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करके क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई गामा आर प्लस 1 बाई 2 यहां तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या होगा रूट पाई इंटू फैक्टोरियल 2r अपॉन 2 की पावर 2r और फैक्टोरियल r ये वैल्यू पुट किया और ये बन गया हमारा इक्वेशन 6 बन गया। इसमें कुछ चीजों को मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं तो i इक्वल टू अब हम ये सारी वैल्यू को इसको इरेज कर सकता हूं क्योंकि ये आपको रिमाइंड करने के लिए मैंने लिखा था क्योंकि इसके पहले मैं बता चुका हूं क्योंकि इक्वेशन काफी लंबे जा रहे हैं। अब क्या करेंगे समेशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 बाई माइनस 1 की पावर r और फैक्टोरियल 2r फिर इस फैक्टोरियल 2r को भी हम क्या लिखेंगे यहां पर लिख सकते हैं 2r हो गया फिर गामा सॉरी ये क्या होगा गामा गामा n प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा n प्लस r प्लस 1 इसके बाद रूट पाई और अपॉन 2 की पावर रूट पाई अपॉन फैक्टोरियल r हो गया और x की पावर 2r को जो मैंने छोड़ा तो x की पावर 2r है और 2 की पावर 2r है ये भी लिख दिया। अब क्या करेंगे फैक्टोरियल 2r से फैक्टोरियल 2r ये कैंसिल कर देंगे इसके बाद इसको हम क्या लिखेंगे i इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर r गामा n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा इसके बाद 2 गामा n प्लस r प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा इसी के साथ में लिख लो गामा पाई फैक्टोरियल r और इसको लिख सकते हैं हम एक्स वाई 2 की पावर 2r इसको लिख सकते हैं तो क्या लिख देंगे इसमें हम एक्स वाई 2 की पावर 2r क्यों कि सिंस an अपॉन bn इक्वल टू a अपॉन b की पावर n हो जाएगा तो इतना वैल्यू हम लिखे और हमारा इक्वेशन बन गया आपका 7 ठीक है। अब हम कुछ और भी प्रॉपर्टी इसमें ऐड करने वाले हैं तो दोस्तों अब क्या करेंगे इसको i इक्वल टू रूट पाई को हम बाहर करते हैं तो रूट पाई और गामा n प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 को भी बाहर करेंगे और r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर r एक ही हो गया इसके बाद क्या लिखेंगे इसमें x बाई 2 की पावर 2r अपॉन फैक्टोरियल r एंड गामा n प्लस r प्लस 1 ये आपका बन गया इक्वेशन 8। मैं इक्वेशन छोटा छोटा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको छोटे छोटे स्टेप्स सॉल्व करने में थोड़ा सहूलियत हो जाए सरलता हो जाए सिंपल बन जाए तो गामा ये इसको क्या करेंगे ये हमारा इक्वेशन 8 हो गया। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स 2 अपॉन रूट पाई गामा एन प्लस 1 बाई 2 एक्स बाई 2 की पावर एन इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन स्टेप पुट क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये इक्वेशन 8 में तो क्या हो जाएगा आपका बी गेट ठीक है। अब इस वैल्यू को आई साइड भी करेंगे तो 2 अपॉन रूट पाई गामा एन प्लस 1 बाई 2 एक्स बाई 2 की पावर एन और क्या हो जाएगा आई इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी मल्टीप्लाई कर दो तो 2 अपॉन रूट पाई गामा
एन प्लस वन बाई टू एक्स बाई टू की पावर एन, इसके बाद रूट पाई गामा एन प्लस वन बाई टू अपॉन ये टू हो जाएगा, समेशन आर इक्वल टू जीरो इनफाइनाइट माइनस वन की पावर आर और एक्स वाई टू की पावर टू आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन, ये बना। अब यहां से रूट पाई गामा एन प्लस वन से गामा एन प्लस वन, टू से टू कैंसिल हुआ आपका और इसको लिख सकते हैं टू अपॉन रूट पाई गामा एन प्लस वन बाई टू एक्स वाई टू की पावर एन इंटू आई इक्वल टू एक्स वाई टू को एक्स वाई टू के पास हम दे देते हैं, तो समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन की पावर आर और एक्स वाई टू बेस इक्वल होगा तो पावर क्या हो जाएगी एड हो जाएगी, तो क्या बनेगा एक्स वाई टू एन प्लस टू आर अपॉन क्या बनेगा फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन। इसके बाद हमको और भी सॉल्व करने होंगे, फिलहाल आप इसको पहले नोट भी कर सकते हैं और इसको हम अगला स्टेप और भी बताते हैं तब जाके सॉल्व होगा हमारा। एंकल इंटीग्रल से काफी बड़ा डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन एग्जाम में आते भी हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसमें क्या करेंगे, ये जो पार्ट है आपका ये ज्यादा सारा पार्ट इसे हम बेसल फंक्शन में जे एम एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, उसका ये फार्मूला भी होता है, मैंने सॉल्व किया है। देखिए जैसे ये आया आपका, इसके लिखेंगे सिंस जे एम एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन की पावर आर एक्स वाई टू एन प्लस टू आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन, इसको हम समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन की पावर आर एक्स वाई टू की पावर एन प्लस टू आर गामा एन प्लस आर प्लस वन, ये जेएनएक्स के फॉर्म में होता है, जेएनएक्स हम यहां पर पुट कर सकते हैं आसानी से, तो क्या हो जाएगा टू अपॉन रूट पाई गामा और एन प्लस वन बाई टू एक्स वाई टू की पावर एन इंटू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा जेएनएक्स। तो जेएनएक्स यहां पर मैंने जेएनएक्स प्रूव कर दिया, अगर जेएनएक्स प्रूव कर दिया है तो क्या करेंगे हम, यहां जेएनएक्स प्रूव करने के बाद हम यहां पर लिख सकते हैं कि सिंस, हालांकि सिंस तो रेफरेंस मैंने दे के रखा है कि सिंस जेएनएक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी माइनस वन की पावर आर एक्स वाई टू की पावर एन प्लस वन एन प्लस टू आर फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन होता ही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसलिए देयरफॉर एक स्टेप और हम इरेज कर देते हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा जे एन एक्स इक्वल टू इस वैल्यू को हम यहां पर कॉपी करेंगे तो टू अपॉन रूट पाई गामा एन प्लस वन बाई टू एक्स बाई टू की पावर एन और आई की वैल्यू जब सबसे फर्स्ट टाइप हमने लेफ्ट कंसीडर किया था वही हमने यहां पर जीरो टू वन कॉस टी एक्स वन माइनस टी स्क्वायर की पावर एन माइनस वन बाई टू वेयर एन इज ग्रेटर देन माइनस वन बाई टू, ये आपका फार्मूला यहां से प्रूफ होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सो देयर इज ए हैंकल इंटीग्रल और ये आपको हो जाता है प्रूफ, हेंस प्रूफ। ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें मैंने ये देखा है कि बेसल फंक्शन में जेएनएक्स में कैसे हम सॉल्व करते हैं, फिर डुप्लीकेशन फार्मूला भी यूज होता है, गामा बीटा फंक्शन के रिलेशन भी आते हैं, मैकलॉरिन सीरीज भी यूज होती है, सब कुछ कैंसिल करके और हमने प्रूव किया कि जेएनएक्स इक्वल टू टू अपॉन रूट पाई गामा एन प्लस वन बाई टू एक्स बाई टू की पावर एन और इंटीग्रेशन जेएनएक्स इक्वल टू जे एक्स वाई टू पावर इंटीग्रेशन जीरो टू वन कॉस टी एक्स वन माइनस टी स्क्वायर की पावर एन माइनस वन अपॉन टू,
वेयर एन इज ग्रेटर देन माइनस वन बाई टू आपका प्रूफ हो जाता है। इसे कहते हैं हैंकल इंटीग्रल, जो कि बेसल फंक्शन में है, बीएससी सेकंड ईयर के डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक में। ओके थैंक्स। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, ताकि हमारे आपके जो छोटे भाई हैं, छोटे और बीबीएससी से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनकी हेल्प हो। थैंक यू, धन्यवाद।